जांग में गोली लगी होने के बावजूद दुश्मन पर हमला बोलते रहे। एक साथ मार्च दिए थे 5 सैनिक। टाइगर हिल की जीत ने भले ही कारगिल की लड़ाई को अंतिम विजय में तब्दील किया हो, लेकिन जीत के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को कई ऐसे पड़ाव पार करने पड़े जिनके बिना यह जीत संभव नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले संजय कुमार को कारगिल की लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी के लिए परम वीर चक्र से नवाजा गया। संजय कुमार को सम्मान सन 1999 में मिला। कारगिल की लड़ाई जो 1999 में मई से जुलाई तक लड़ी गई, वे तीसरी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के चक्कर में हार का मुंह देखा था। भारत के 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के जवान राइफलमैन संजय कुमार ने इस युद्ध में जो पराक्रम दिखाया, वह दुश्मन को उसके मंसूबे में मात दे गया। संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ पोस्टिंग पर थे और उन्हें 4875 पॉइंट के फ्लैट टॉप एरिया पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई थी। यह इलाका मुश्कोह घाटी का हिस्सा था और इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था। वे उनकी जान की परवाह किए बगैर रेंगते हुए दुश्मनों के बंकर तक पहुंच गए। पॉइंट 4875 पर राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी ने भारतीय सेना को आगे बढ़ने का आधार दिया था। 13 जैक राइफल के संजय कुमार पॉइंट 4875 पर पहुंचे ही थे कि उनका सामना दुश्मन के ऑटोमेटिक फायर से हो गया। टकराव इतना नजदीक से हुआ कि संजय कुमार तीन दुश्मनों के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। हैंड टू हैंड फाइट में संजय कुमार ने 5 को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन टुकड़ी के शेष जवान घबराहट में अपनी यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भागने लगे। बुरी तरह से घायल संजय कुमार ने उसी UMG से भागते दुश्मनों को भी ढेर कर दिया। उन्होंने गोलियों की परवाह किए बगैर दुश्मन पर हमला बोल दिया और बेहद नजदीकी लड़ाई में उनके 5 सैनिक मार्च गिराए।